नमस्कार प्रिय धनु राशि वाले, शनि बकरी के इस विशेष कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत करता हूं। प्रिय धनु राशि वाले, मैं हूं एस्ट्रोलॉजर रवि गुप्ता और स्वागत करता हूं आज के मेरे बहुत ही खास कार्यक्रम शनि बकरी स्पेशल विशेष में। जी हां प्रिय धनु राशि वाले, आज मैं आपको बताऊंगा ग्रहों में न्यायाधीश जो प्रत्येक मनुष्य के जीवन में उसके संघर्ष के कारक होते हैं, जो जन्म कुंडली में आय और कर्म के आधिपत्य होते हैं और साथ में मनुष्य को अचानक दुनिया में सफलता की प्राप्ति करवाने वाले। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ शनिदेव का। शनिदेव जो है धनु राशि वाले, ये 17 जून रात्रि 10:57 से लेकर के 4 नवंबर 2023 तक अपनी स्वयं की राशि कुंभ राशि में वक्री हो रहे हैं। जब यह वक्री होंगे तो धनु राशि वाले, शनिदेव आपकी कुंडली के तृतीय भाव पे विराजमान होगा। तो मैं आज आपको बताऊंगा धनु राशि वाले कि शनि का वक्र अवस्था 140 दिनों के लिए आपके जीवन में क्या क्या प्रभाव डालेगा, क्योंकि शनि के साढ़े साथी समाप्त होने के बाद कुछ खास शुभ फल प्राप्त नहीं हुआ था, तो निश्चित तौर पर यह 140 दिन आपके जीवन में बहुत बड़ा बदलाव करेगा। प्रिय धनु राशि वाले, सबसे पहले मैं आपको 2-3 जानकारी दे दूं। ये जो वीडियो है चंद्र राशि पर आधारित है, आप चाहें तो लग्न राशि या नाम के अनुसार भी देख सकते हैं। दूसरी जानकारी यह है कि जब भी कोई ग्रह वक्री होता है तो इसके पीछे बहुत सारे वास्तविक रीजन होते हैं। जब कोई ग्रह सामान्य गति से चलता है तो इसे मार्की बोलते हैं। जब कोई ग्रह अपने सामान्य गति से तीव्र गति से चलता है तो इसे अतिचारी बोलते हैं, और जब कोई ग्रह अपने सामान्य गति से धीमी गति से चलता है तो इसे वक्र अवस्था बोलते हैं। वक्र अवस्था जो होता है, क्योंकि अपनी गति से बहुत ही सामान्य गति से बहुत धीरे चलता है तो पृथ्वी से पीछे की ओर दिखाई देता है। ज्योतिष शास्त्र में यह स्पष्ट तौर पर वर्णन है कि जब कोई पापी ग्रह वक्री होता है तो इसके प्रभाव में बढ़ोतरी होता है, क्योंकि वक्री ग्रह जिस हाउस में वक्री होता है उस हाउस के पीछे वाले हाउस के भी 50% के फल को बढ़ाता है, यानी एक ग्रह दो भाव के फल को एक्टिव करके रखता है। सबसे पहले मैं बता दूं कि शनि जब वक्री होगा तो शनि जहां बैठता उसके भाव के फल को तो बढ़ाता या घटाता है ही, लेकिन इनकी दृष्टि जो होती है क्रूर होती है और पापी होती है। ये जहां बैठता है ना, ये जहां दृष्टि डालेगा, क्योंकि 3री, 7वीं और 10वीं दृष्टि होती है, उस हाउस की हानि कर देता है। वर्तमान समय में इनकी दृष्टि आपकी कुंडली में मेष राशि, सिंह राशि और वृश्चिक राशि पे है, और मेष राशि तो इनके नीचे की राशि है, बाकी 2 राशि इनके शत्रुगत राशि की है, मंगल और सूर्य। तो इसका प्रभाव में सीधा जो है गलत प्रभाव कम होना चालू हो जाएगा। प्रिय धनु राशि वाले, जैसे ही शनिदेव वक्र अवस्था में आएंगे, यानी आपके जीवन में 17 जून से, सबसे पहले यह क्या करेगा कि आपके जीवन में शिक्षा संबंधित जो दिक्कतें हैं वह ठीक होनी चालू हो जाएंगे। लॉटरी सट्टा शेयर मार्केट में जितना ज्यादा जो नुकसान हो रहा था धनु राशि वाले, यह जो है बेनिफिट में बदलना चालू हो जाएगा। आपके लव लाइफ में जो परेशानियां आ रही थी यह ठीक हो जाएगी। मन चाहे जगह पर एडमिशंस नहीं हो पा रहा था, घर की रिस्पॉन्सिबिलिटी के चक्कर में अपने शिक्षा पे या अपने नौकरी पे वास्तविक जो ध्यान नहीं दे पा रहे थे, इसमें सुधार की संभावनाएं आपके जीवन में बननी चालू हो जाएंगे। इसके अलावा जो है आपके जीवन में ना चाह करके भी जो अत्यधिक धन का व्यय हो रहा था, जिसके कारण आप अपनी वास्तविक संपत्ति या प्रॉपर्टी नहीं बना पा रहे थे, उसमें सुधार होना चालू हो जाएगा। बहुत प्रयास करने के बाद भी अब चाह रहे थे नौकरी या व्यवसाय में कुछ बेहतर बदलाव हो, नहीं हो पा रहा था, वह होना चालू हो जाएगा। कुछ लोग ऐसे थे जिनका डिवोर्स हो चुका था, द्वितीय मैरिज को लेकर, यानी सेकंड मैरिज को लेकर के बहुत ज़्यादा परेशान थे, लेकिन कोई ऑप्शन नहीं मिल पा रहा था, या किसी कारण से आप किसी से रिलेशनशिप में भी थे तो पहले वाले रिश्ते से अलग नहीं हो पा रहे थे, जिस कारण से आप दूसरे रिश्ते में नहीं जुड़ पा रहे थे, तो उससे रिलेटेड आपकी लाभ की संभावनाओं को यह बढ़ाना चालू कर देगा। इसके अलावा धनु राशि वाले, कितना भी मेहनत कर लो पैसे टिक नहीं रहे थे, या टिक भी रहे थे तो आपके फ्रेंड सर्कल या फिर आपके परिवार के लोग, रिलेटिव, लव लाइफ या भाई बहनों के चक्कर में खर्च हो जा रहा था, तो इसमें सुधार होगा। आप वास्तविक तौर पे तो दिल के बहुत अच्छे होते हैं, लेकिन क्या होता है कभी कभी सामने वाले को प्रॉपर किसी चीज़ का रिप्लाई नहीं कर पाते, तो आपके परिवार के लोग हो या आपके फ्रेंड सर्कल हो या लव लाइफ हो या फिर आपका प्रोफेशनल लाइफ हो, जहाँ से आप धन कमाते हैं, जो आप नहीं बोल पाते हैं तो लोग इसका मिस यूज करता है, फायदा उठाता है, आपका शोषण करता है, तो उससे रिलेटेड आपको लाभ की प्राप्ति होनी चालू हो जाएगी, क्योंकि आप बहुत ही क्लियर और स्पष्ट बोलना चालू कर देंगे। इसके अलावा आप अपने मनी सेविंग्स पे बहुत ज़्यादा ध्यान देना चालू कर देंगे, जो कभी आप नहीं दे पाते थे।
सबसे महत्वपूर्ण बात क्या है, बहुत ज्यादा हैवी लोन और कर्ज के कारण तो जीवन में परेशानियां बनी पड़ी थी, किसी भी कंडीशन में समाप्त नहीं हो पा रहा था, उल्टा और लोन एक लोन को चुकाने के लिए आपको दूसरे लोन लेने पड़ रहे थे, उससे रिलेटेड लाभ की संभावना को यह बढ़ाना चालू कर देगा। इसके अलावा धनु राशि वाले, क्योंकि इनकी दृष्टि भाग्य स्थान पे भी है, तो आपके मन चाहा खास करके सरकारी क्षेत्र में तबादला या नौकरी का योग बनेगा। हालांकि जो व्यक्ति जुडिशियल, मेडिकल, प्रॉपर्टी से रिलेटेड, लोहे से रिलेटेड, कोयले से रिलेटेड, पेट्रोलियम पदार्थ से रिलेटेड खास करके काम में है, जो ब्रोकरेज का काम करते हैं, जो राजनीति के क्षेत्र में है, आपके लिए तो सीधा यह फायदा देने वाला है। लेकिन यह उन लोगों के लिए सबसे ज्यादा लाभकारी रहेगा जो सालों से संघर्ष करने के बाद भी मेहनत कर रहे थे, कुछ प्राप्त नहीं हो पा रहा था। यह खानदानी संपत्ति जो सेल नहीं हो पा रहा था क्योंकि भाई बहनों के मध्य में, रिश्तेदारों के मध्य में विवाद था, उसको ठीक करना चालू कर देगा। यह जो है आपके जीवन में नेत्र संबंधी समस्याएं, गले से रिलेटेड जो समस्याएं पैदा हो रही थी, जिसका कोई सुधार नहीं हो पा रहा था, उसमें सुधार की समस्याओं को यह ठीक करना चालू कर देगा। इसके अलावा पीठ पीछे जो आपकी बुराई हो रही थी, आपका सम्मान का हानि पहुंचाया जा रहा था, इसके अलावा जो है कह सकता हूं कि कुछ लोग जो है, आप कितना भी मेहनत करने के बाद भी आपको किसी चीज़ में अपॉर्चुनिटी नहीं मिल पा रही थी, या बोनस का पैसा या परफेक्ट पैसे जो नहीं मिल पा रहे थे, इससे रिलेटेड लाभ की संभावनाएं बननी चालू हो जाएंगी। और विदेश यात्रा बहुत समय से कोशिश कर रहे थे नहीं होने का, वह होना चालू हो जाएगा। संतान कंसीव होने से रिलेटेड गुड न्यूज या संतान से जो मतभेदता थी, इसमें भी कमियां होनी चालू हो जाएंगी। फिर भी धनु राशि वाले, क्योंकि इसके प्रभाव को बेहतर बनाने के लिए आपको यथा प्रयास करना चाहिए, शनिवार के दिन नॉनवेज का त्याग करना चाहिए, प्रत्येक दिन 5 बार गायत्री मंत्र का जाप, 11 बार ओम नमः शिवाय का जाप, और शनिवार के दिन गरीबों को खिचड़ी अवश्य शाम के समय खिलाना चाहिए, आपके जीवन में बहुत ही ज़्यादा लाभकारी रहेगा। इसलिए धनु राशि वाले, ये जो 140 दिनों का समय है ना, डेफिनेटली आपके जीवन में इतना बड़ा बदलाव लाएगा कि आप कभी सोच भी नहीं सकते थे। तो प्रिय धनु राशि वाले, शनि वक्री का यह विशेष कार्यक्रम, इसका क्या प्रभाव पड़ेगा, जिसकी संपूर्ण जानकारी मैंने आपके समक्ष प्रस्तुत किया है। उम्मीद करता हूं कि बताई गई जानकारी से संतुष्ट होंगे। अनुरोध है कि चैनल पर नए हैं तो शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। मिलता हूं अगली वीडियो में और महत्वपूर्ण और ज्ञानवर्धक जानकारी के साथ। तब तक नमस्कार, अच्छे से रहिए, धन्यवाद।